ओ माय गॉड, ये देखिए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग देवीगंज रोड में हैं और अभी नवरात्रि चल रहा है, जब तीसरा दिन है, तो आप लोग को हैप्पी नवरात्रि है ना जी। तो आप लोग देख सकते हैं देवीगंज रोड कितना अच्छा सजाए है ना। हम लोग ऐसे घूमने निकले थे तो हम लोग को एक यूनिक सा पंडाल दिख गया, तो हम लोग सोचे कि चलते हैं और माता जी का दर्शन भी करके आते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। हाँ, यहाँ का पंडाल एकदम अलग सा ही पंडाल बना है, जिंदगी में तो फर्स्ट टाइम देख रही मैं कुछ ऐसा पंडाल है ना, कुछ अलग सा, कुछ यूनिक है। हाँ, अलग तरीकों से इसको बनाया गया है, आप लोग को दिखाएंगे और बाहर से भी दिखाएंगे आप लोग को इसका कैसे है। और बहुत ही शोर हो रहा है तो थोड़ा आप लोग को कम भी हम लोग आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो थोड़ा सा आप लोग समझना इस बात को। ऐसा पंडाल बना है, आप लोग थंबनेल और टाइटल से तो देखकर समझ ही गए होंगे। और आप लोग को बता दें कि जो पंडाल है वो कैलाश पर्वत, जो कि महादेव जहाँ रहते हैं आप लोग को पता ही है, भारत के और चीन के बॉर्डर में, शायद पता नहीं हम लोग को सर जानकारी नहीं इसके बारे में। तो चलिए आप लोग को भी घुमाते हैं, अंदर चलते हैं, गुफा की टाइप से दिख रहा है सामने से, आप लोग को भी दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हो इधर सा, देख सकते हो पूरा वो क्या बोलते हैं कैलाश पर्वत की तरह बनाए हैं। कभी तो हम लोग जा नहीं सकते गाइस, तो कम से कम इस पंडाल को देख के समझ तो पा रहे हैं कि कैलाश पर्वत ऐसा है। और देख सकते हो आप लोग, ये है देवीगंज रोड और इसके जस्ट रोड के उस पार है और कैलाश पर्वत के आकार का कुछ बना दिया गया है इस पंडाल को। तो आइए आप लोग को भी दिखाते हैं, लेकिन एकदम भीड़ है ना, ट्रैफिक है, तो आप लोग को कैसे दिखाएं। बाकी चलेंगे अंदर, आप लोग बने रहिए वीडियो पे। तो गाइस हम लोग तो रोड क्रॉस करके इस बार आगे, आप लोग को आगे दिखाते हैं, एकदम गुफा की तरह बनाए हैं ना जी। हाँ, तो यहाँ से तो दिख रहा है, देख सकते हो पूरा गुफा की तरह इसको बनाया है। तो गाइस यहाँ का आरती चल रहा होगा तो अच्छा ही लगेगा, तो पता नहीं आरती चल रहा क्या चल रहा मुझे नहीं पता, लेकिन इधर से जाना किधर से जाना है जी पता नहीं, अब किधर से जाएं समझ नहीं आ रहा। चप्पल उप्पल निकाल लेते हैं, चप्पल जूता जो हम लोग का, और चलते हैं इसके अंदर, अंदर की ओर, ये वाला अंदर की ओर ले जाता होगा, नहीं इधर से जाना है, इधर से। चलो तो चलते हैं हम लोग, देख सकते हैं इधर, ये तो ऐसा लग रहा है ना कि सही गुफा में आ गए। सच में गाइस आप लोग देख सकते हो पूरा ये पता नहीं क्या क्या चीज का बना गया है, और एकदम गुफा गुफा की तरह आप लोग को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। ओ माय गॉड, ये देखिए, ये है गुफा। और यहाँ से लाइटिंग वाइटिंग अच्छा। सबसे पहले मैया को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आप लोग जानते ही होंगे कि वैष्णो देवी माता है, जो कि आप लोग जम्मू कश्मीर में है, शायद हम लोग उतना पता नहीं है, लेकिन इनका मंदिर वहीं है, वहीं उतना जानकारी तो मेरे मेरे हम लोग को जितना पता है, मेरे को जितना पता है आप लोग से शेयर कर, लेकिन बहुत ही मस्त ही बना दिया, देखिए एकदम ओरिजिनल ही लग रहा है पूरा चीज़। अब माता को फिक्स करना, तो गाइस आप लोग सपोर्ट करोगे तो एक दिन पक्का हम लोग जम्मू कश्मीर जाएंगे है ना जी, तो वैष्णो देवी का दर्शन करने। तो चलो फिर आगे चलते हैं, अरे पेपर है यार ये तो। सो गाइस हम लोग फाइनली पंडाल के अंदर तो आ गए, आप लोग देख सकते हो माता जी का, यहीं से आप लोग दर्शन कर सकते हो, आप लोग नहीं आ पाओगे तो। बहुत ही बड़ा उनका मूर्ति है ना, तो गाइस आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा मूर्ति है, और साइड साइड में छोटा छोटा भी मूर्ति है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर देख सकते हो पंडाल को बहुत ही अच्छा बनाए हैं, एकदम सुंदर लग रहा है, फैन उन चल रहा है इधर। तो कैलाश पर्वत देख के कैसे लगा? बहुत ही अच्छा लगा, दिल खुश हो गया, फर्स्ट टाइम तो आए थे गुफा में घूम के, गुफा में घूम के कैसे लगा? गुफा में भी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, मजा आ गया ना यहाँ के, फर्स्ट टाइम है जो कि हम लोग आए हैं इस टाइप का, मतलब पूजा पंडाल, पहली बार ऐसा पंडाल देखे हम लोग है ना, अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुआ है ना, और आप लोग भी आइए यहाँ दर्शन करने। तो गाइस पंडाल में हमारे सहयोग राशि लेने जा रहे हैं, जाइए।
वैसे आप लोगों को पास से दिखा दे रही हूँ, कितना सुंदर है, वाओ इतना अच्छा लग रहा ना देख के। ओ बड़ा वाला जो मूर्ति है वहाँ पे ज़्यादा ही लाइट आ रहा है तो उनका फेस नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा वाला को आप लोग देखो ना कितना सुंदर लग रहा है उनका फेस, इतना सुंदर लग रहा है मैं क्या ही बोलूँ। सो गाइस आप लोग देख सकते हो उधर रंग बिरंगे वाले यहाँ पर्दे लगे हैं चारों साइड, इधर से देख सकते हो शोभा जी को इधर है। तो गाइस मुझे कैलाश गुफा घूम के बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कैलाश पर्वत आके बहुत अच्छा लगा। गुफा गुफा निकल रहा है गाइस, मतलब क्योंकि गुफा भी बनाया है ना तो बार बार वही निकल रहा है। और आप लोग जान ही सकते हो हम लोग वैष्णो देवी की धाम तो नहीं जा सकते लेकिन यहाँ पे कम से कम देख तो पाए ना उनका उनका दर्शन तो कर पाए ना। इस टाइप में मतलब वहाँ होगी, इस टाइप मतलब वहाँ वहाँ है लेकिन हम लोग यहीं दर्शन कर लिए, आप लोग भी आइए यहाँ दर्शन कर, बहुत ही अच्छा बनाए है वाला पंडाल को। हाँ देवीगंज रोड अंबिकापुर, आप लोग सोच नहीं सकते मुझे ना वो वैष्णो देवी और कैलाश पर्वत ये सब देख इतना सुंदर लग रहा है क्योंकि अपनी लाइफ में तो मैं तो नहीं जा सकती, इतना दूर है हम लोग कहाँ जा पाएंगे। अगर हाँ आप लोग सपोर्ट किए तो पक्का जा पाएंगे लेकिन आप लोग का सपोर्ट नहीं रहा तो हम लोग तो जा नहीं पाएंगे। लेकिन ये पंडाल को देख के हम लोग को ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग मतलब कि सामने से देख लिए है ना, हूबहू उनको देख लिए, इस टाइप से लग रहा है। और देख सकते हो ये है बाहर जाने इंटरेस्ट है वो जो फर्स्ट वाले आए ना हम लोग उस वाले रास्ते से फर्स्ट वाला इंटर करने वाला था ये बाहर जाने के लिए था है ना जी। जो गुफा देखे आप लोग उधर से एंटर करते हैं और इधर को सिंपल सा बनाया है मतलब बाहर निकलने के लिए बस। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से निकलते हैं और आप लोग को भी दर्शन कराएं माता जी का। आप लोग भी अगर नहीं आ सकते तो हमारे वीडियोस के माध्यम से आप लोग भी दर्शन कर सकते हो। कैसे जी? हाँ और नहीं देखे हो तो आइएगा देखने, बहुत ही सुंदर बनाए हैं। अगर जो अंबिकापुर से हो जो आ सकते हो लोग आइए यहाँ पे। हाँ। बहुत ही मस्त है, बहुत ही यूनिक तरह से यहाँ पे बनाया गया है गुफाओं को भी। इधर सामने का आकार आप लोग को देखे ही कि कैलाश पर्वत के आकार पे है और बहुत ही मस्त है, वहाँ भगवान शिव खुद मतलब विराजमान है ऊपर में, ऐसा आकार बनाया गया है। जैसे पूरा डिटेल में तो हम लोग कैलाश पर्वत के बारे में थोड़ी बता सकते हैं ना, क्योंकि वैष्णवी माँ के बारे में पूरा डिटेल तो नहीं बता सकते, बस दिखा ही सकते हैं आप लोग को। हम लोग को जितना नॉलेज है वो सब के बारे में आप लोग को बता रहे हैं, उतना शेयर कर रहे हैं। हाँ तो चलिए हम लोग चप्पल उप्पल पहन लेते हैं यहाँ से निकलते हैं फिर। ये देख सकते हो इधर सुबह जी पहन रहे हैं। सो गाइस हम लोग अपना जूता उत्ता तो पहन लिए और ये देख सकते हैं हम लोग बाहर निकल गए रोड के उस पार जाने हम लोग को। देख सकते हैं हम लोग का बाइक हो रहा सामने की ओर और हमारे ऊपर जो कि शिव विराजमान है। आप लोग चलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम लोग गाड़ी के पास तो आ गए, तो आई होप ये वाला ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा माता जी का दर्शन करके। तो प्लीज़ अगर आप लोग माता जी का दर्शन कर लिए होगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए होगे तो चैनल कर देना गाइस सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।